हाँ, आज थोड़ा ऐसा गर्मी सा लग रहा है ना। सर को थोड़ा वो उधर कर लो ना थोड़ा सा। क्या हो गया, आते लेट गए? अच्छा, अरे थक गया यार, वैसे शाम हो गई, सुबह की पार्टी शाम हो गई, साला दिमाग खराब है। कुछ क्या हुआ? नहीं, कितने मजा आया ना पार्टी में। देखा था मैंने आपको, बहुत एंजॉय कर रहे थे, अच्छा लगा हाँ, देख तो सारे फ्रेंड्स मिले थे ना, सबसे बातें कर रहे थे। के। अच्छी बात है, आपका फ्रेंड था ना तो आपके लोग होंगे, मैं तो अकेला हो गया था, उधर बैठा था एक जगह पे बस। सबसे मिलना भी तो जरूरी था, इतने टाइम बाद मिले हैं। बात तो सही है। ठीक है चलो, मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, आप तो ये जो साड़ी चेंज कर रहे हो कर लो, फिर उसके बाद में कुछ खाने के लिए बना देना अगर हो सके तो, नहीं तो फिर मंगा लेंगे, थक गए होंगे ना आप भी नाच नाच के। ठीक ठीक है। है, मैं रेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, थक गया हूँ। अरे मेरा फोन कहाँ रखा है मैंने? वही तो रखा है साइड में। क्या देखूं आज, मूवी आइडिया दोनों कुछ। क्या क्या हुआ हो, है, पहले फोन साइड हटाओ, फोन ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे हटाओ सामने से, उठो, चिमटा लग बताओ। रहा है, मेरे पेट की चमड़ी उधेड़ दोगे क्या? साइड हो जाओ। मुझे बताओ क्या हुआ है। कुछ नहीं ऐसा हुआ, तो पहले नहीं होता पार्टी साथ, तो आप एकदम शांत हो गए आज पहली बार। तो ये पल्लू ले लो, ऐसी साड़ी क्यों? आधी उतार के बैठ गया आके। अरे अरे तो आपसे क्या सर? मुझसे नहीं शर्म नहीं आती? नहीं, देखो बेटा कुछ हो जाएगा, वैसे थका हूँ और थकना नहीं चाहता, ना तो मैं थकाना चाहता हूँ, ठीक है? सो प्लीज जोड़ो ना, बताओ ना क्या हुआ। हाथ हटाओ। अच्छा ठीक है, आप बता दो। कुछ नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, नहीं बताना। अरे क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, बस लेटा हुआ हूँ। वहां पे सो मैं आपको देख रही थी, शांत शांत बैठे हुए थे, फिर तो मैं यहाँ पे किसको भी जानता था, शांति बैठूंगा ना वहां पे मैं भी आपके आपके साथ। पास आ रही थी कुछ लेके, तो भी आप दम लेके खा ले रहे थे, उसके बाद फिर शांत हो जा रहे थे, फोन चला रहे थे। हाँ तो क्या करता फिर, जानना पहचान में तेरा मेहमान वाली बात हो गई थी मेरे लिए, तो उधर आता हूँ तुम्हारे कॉन्टेक्ट के थे, बट स्टिल क्या फोन साइड करो, पहले तो हमसे बात करो, फोन हटाओ, पहले सामने से मुझसे बात करो, बार बार फोन पकड़ ले रहे हो। लो बोलो क्या बोलना है। कोई बात नहीं है ना, सिर्फ यही था ना कि आप अकेले थे। अच्छा हाँ सिर्फ यही था। पक्का? अब तो बड़े खुश था ना उधर, सारे लोग मिले, सब कोई आपके साथ एंजॉय कर रहा था, आप भी सबके साथ। हाँ, तो इतने टाइम बाद मिले थे ना। बहुत एंजॉय किया ना, लास्ट मेरे साथ कब वैसे एंजॉय किया था? तो क्या, जब किसी शादी पार्टी में जाते हैं, हमारी शादी में कितना एंजॉय किया था हम लोगों ने। तुम्हारी शादी के बाद कब किया? याद नहीं As expected, शायद से मेरे साथ कभी इतना क्या। एंजॉय कर ही नहीं पाए आप, अरे क्या नाच ऐसे रहे थे क्यों यार बोल रहे ठुमके मार हो, मार के। ओहो मुझे फ्रेंड के नाइस। सामने सीधे खड़े रहते हैं, फ्रेंड्स बुला रही थी तो मुझे डांस करना पड़ा। शादी हुई थी इसलिए साड़ी पहन के गए थे, नहीं तो वो अनमेरिड लड़की आती आपके बैच की शायद, वो देखे थे कैसे कपड़े पहन के आए थे, वैसे ही आते थे नहीं तो आप, है ना? क्या बात हुई है बताइए। कुछ नहीं हुआ यार, बस आपको मैंने अपना एंजॉय कभी नहीं कराना लाइफ में, ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं करा पाया ना कभी ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ में, उतनी खुशी नहीं दे पाया जितनी कल मतलब अभी आपको मिली है पार्टी ये में। सब क्यों बोल रहे हो, मुझे पहले तो बताओ। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही आपको देख के जब नाच रहे थे तो बड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन वो होता है ना कि एक साइड से इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है और एक साइड से उसके मन में बहुत सारे ख्याल चल रहे होते हैं, मेरा कुछ वैसे ही हो रहा क्या ख्याल चल रहे थे?
अब तो बड़े खुश थे, हंस खेल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। मेरे माइंड में चल रहा था कि यार क्या? कितनी, छोड़ो कुछ नहीं यार, बोलो पूरी बात कंप्लीट करो, क्या कर लोगे सुन के। अरे मुझे सुनना है बस, बताओ। बस यही सोच रहा था यार, देखो कितनी हंस खुल रही है, कितनी खुश है। क्या मैं कभी इतना कुछ आपको कभी रख पाऊंगा फिर से, या इसके पहले रख पाया हूँ उतना ही कुछ जितना आज आप थे? क्या मैं उतना कैपेबल हूँ? कितने रिच लोग थे यार वो, हाँ, जिसने अपनी बीवी के लिए इतनी बड़ी पार्टी दी दे दी, जस्ट ऐसी बर्थडे पार्टी। उसके बीवी का बर्थडे क्या था, लाखों उड़ा दी होंगे उसने, पता है। अरे तो जिनके पास पैसे कम होते हैं क्या वो खुश नहीं होते हैं क्या? चुप बैठा है यार, तुम नहीं समझ पाओगे मेरी फीलिंग। पैसे की बात ये नहीं है कोई इधर, फीलिंग नहीं है, पैसे की बेकार की बात सोच नहीं है है। इधर, ठीक है। हाँ तो फिर बात यह है कि मैं आपको वैसा खुश नहीं रख पाऊंगा। अब तुमने एक शब्द भी बोला ना बीच में, ना मार देना, तो दिमाग वैसे गर्म हो रखा है। बहुत ऐसा मन में आ रहा था ना मेरे, क्या मैं कभी बोलो। आपको ऐसा खुश रख सकता हूँ? मानता हूँ मैं इतना रिच नहीं हूँ जितना कमाता हूँ फैमिली के लिए और हमारे लिए, और थोड़ा बहुत सेव करता हूँ ताकि फ्यूचर के लिए हमें सब कुछ सही रह सके। आई एम नॉट फ्रॉम द टॉप क्लास ऑफ पीपल, आई एम जस्ट अ मिडिल कास्ट पर्सन, ओके। जो भी है यार, मुझे नहीं लगता यार कि मैं इतनी सारी खुशी आपको दे पाऊंगा इस जन्म में, जो आज आपको एक दिन में किसी ने दे दी। बस अपनी बीवी को दे रहा था, लेकिन आपको भी मिल गई दोस्तों के साथ एंजॉय करके, इवन सबको, लाइफ की बेस्ट पार्टी है ना। यही कहा था ना आपने निकलते हुए, आपके फ्रेंड जब टाटा बाबा कर रहे थे, लाइफ की बेस्ट पार्टी थी यार, कैसे कितने खुश होके कहा था। लास्ट टाइम याद है जब आपको लेके गया था डिनर पे, तब भी हमने कपल डांस किया था, तब तो आपने ऐसा नहीं कहा था। उसके पहले तो दिन में ऐसे ही घर पे कोई नहीं था, तो हमने खाया था, तब भी आपने ऐसा नहीं बोला था। मैं बोलूं? नहीं अभी बोला तो मैं बोलूंगी तो आप मारोगे मेरे को। मत बोलो, चुप रहो। पता है मैं मानता हूँ यार, मैं इतना रिच नहीं हूँ, बट मैं अपने साइड से 100% ट्राई करता हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर आपको ये सबसे इतनी ज्यादा खुशी मिलती है, मैं नहीं प्रोवाइड कर पाया तो क्या लड़ाई झगड़े होंगे पति पत्नी में, और क्या होगा, है ना। खुश नहीं रख पाऊंगा आपको, लड़ाई झगड़े कॉज होंगी, छोड़ दो कि किसी दिन मुझे पागल हो गए हो, कुछ भी बोलते चले जा रहे हो। मार क्यों रहे हो। मतलब मैंने बोलने को बोला है तो मतलब पूरा कुछ भी बोल जाना है? मतलब जो बिल्कुल अमीर नहीं होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होता, उनके लिए भी वो उनकी बीवी उनके पति को प्यार ही नहीं करती है, कि क्या बोल रहे हो? प्यार ही सब कुछ होता है लाइफ में। अगर वो कोई भी कितना भी अमीर हो, कुछ भी हो, अगर प्यार नहीं है तो उन लोग दो दिन भी साथ नहीं रह सकते हैं, ठीक है? और आप मुझे, जब से आपने मुझसे शादी करी, इतना प्यार दिया है, इतनी रिस्पेक्ट दी है, जो एक लड़की डिजर्व करती है वो हर चीज आपने मुझे प्रोवाइड करी है, तो मुझे क्यों, क्या सोच लेते हो आप? हैं, वो अपने अंदर सोचते होते, अब जब एक निकल रहा है तो निकलते चला जा रहा है, ये भी वो भी वो भी, मुझे डिस्कस तो किया करो। क्या डिस्कस करूं, क्या था इसमें डिस्कस ये करने फालतू चीजें दिमाग में कहाँ से आती हैं आपके? तो दोस्तों का नंबर दो, मैं बताऊं उनको, का। यहीं उन्होंने से कुछ आती नहीं होंगी। कहा, हाँ तो फिर कहाँ से सोच लिया बकवास? बकवास थोड़ी है यार, मैंने सच आपसे बताओ। बोला कि मैं खुश नहीं हूं या फिर मुझे आप मेरी नीड्स पूरी नहीं कर पाते, तो मैंने कभी कहा? पर आपके लाइफ की तो बेस्ट पार्टी थी ना, मैंने इतनी सारी दोस्तों के साथ आपको घुमाने लेके गया, इतना कुछ एंजॉय कराया, वो तो आपने कभी नहीं कहा कि आपके लाइफ की बेस्ट पार्टी है, आज तक नहीं कहा। मुझे पार्टीज चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ आप चाहिए। तो आज आप एक क्यों मेरे बात, साथ नहीं रुक रहे थे? हाँ, मेरे साइड से उठ उठ के नाचने जा रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अरे तो वो दोस्त हैं, इतने टाइम बाद मिली, उनके पास भी रहना मुझे जरूरी था। मुझे मुझे मेरे पास आके मेरा हाथ पकड़ के मुझे नाचने के लिए लेके नहीं जा सकते थे? हाँ अच्छा फिर आप मेरे को डांटते कि तुम लड़कियां लोग नाच रही हो, मेरे को बीच में जबरदस्ती घुसेड़ लिया, ऐसा कभी नहीं कहा, ऐसा मैं भी उनके कुछ साथ फ्लर्ट कर लेता। क्या? इसीलिए भी नहीं चीज आ रही थी। आप वहां खड़े होके कुछ भी हरकतें कर रहे होते और मैं आपको गुस्से में घूर रही होती, कुछ अलग ही सीन हो रहे होते पार्टी में। किसी की बीवी की शादी होती, कोई और कुट रहा होता। बीवी की शादी नहीं, पता था अरे हाँ, बर्थडे जो भी है। बीवी की शादी,
अरे मेन टॉपिक पर कंसंट्रेट करो, डोंट बताओ स्माइल, क्यों ये ओके? सब मेरा बकवास मूड सोच ऐसे रहे थे। खराब है। अच्छा अभी फ्लर्ट करने के लिए तो मूड अच्छा हो गया। अरे वो तो बस ऐसी मजाक किया होना। हाँ पहले बताओ बकवास कहाँ से दिमाग में आया आपके। उस माहौल देख के वहां का, इतने रिच लोग, आज के बाद इस ऐसी ऐसी पार्टियों में जाना कैंसिल, क्यों तुम नहीं जाना मुझे जहां मेरे जब लिए ये एंजॉय सब छोड़ दोगे अपना? मुझे जो है ये सब छोड़ना मंजूर है, मेरा पति खुश होना चाहिए, कितनी ये लैविश लाइफ। चीजें थी सारी यार, मजेदार अरे है ना, आपकी चकाचौंध वाली मुस्कान जो शायद मेरे साथ होते हैं, मैं सो जाती है ना। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपका अभी भी मूड खराब कर रहा हूँ, देख लो, ऐसी बातें करके इतने खुशी खुशी आपको उधर एंजॉय करा कराया आपने, और यहाँ पे आके मूड खराब कर रहा हूँ मैं। सी ना, मुझे कुछ नहीं, गुस्सा आ रही है ना, उनका ढेर सारी किसेस कर दूं लेकिन मैं नहीं करूंगी। क्यों और बोल रहो, और खराब खराब बोल रहो, गुस्सा कर रहे हो। तुम्हें नहीं चाहिए मेरे से वो सब? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने कभी मांगा है आपसे। सर को मेरे को बैठने दो, अरे बैठने दो ना, पास आओ, बोलो। आंखों में देखो मेरे, क्या मैं आपको खुश रख सकता हूँ हमेशा? सच बताना, आपने खुश रखा हुआ है आज तक मुझे, घर में आपको क्या उछलती लगता है, कूदती आपको ऐसी नहीं रहती हूं मैं। क्या लगता है मेरी आंखों में देख के क्या मैं आपसे प्यार करता हूँ? ढेर सारा। कहाँ मुझसे प्यार करते हो ढेर सारा। चच्ची? उच्ची ढेर 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 करके बात क्यों रहा फिर? लगती है यार, इसे शोल्डर पे मत मारा करो, तुम्हें पागल बोलो, सा। ऐसी उल्टी सीधी बातें पड़ेगी। अरे ठीक है, आपको सच्ची में खुश रखता हूँ ना, मतलब रखा है ना अब तक, आगे अगर रखूंगा। हमारा, हम लोग बूढ़े भी खुशी खुशी होंगे, बूढ़े में जब दांत भी नहीं होंगे ना मुंह में, तब भी हंसी रहे होंगे, मुंह कैसे लगेंगे यार? में सी सीटियां बज रही होंगी। आई लव यू। I love you too. एक बात पता क्या? है, ऐसे खुश रहा करो ना मेरे साथ भी। अच्छा मैं आपके साथ जैसे रोती रहती हूँ पूरे टाइम। नहीं बट उसे खुश रहा करो, ये कह रहा हूं। अच्छा ठीक है, अभी दांत फाड़ के हंसती हूँ, उसके बाद बल्ले बल्ले करके हंसूंगी, ये चाहते हो आप? एक सवाल पूछूं? बताओ। क्या है, भूल गया मैं। वाह, अबे अभी तो याद आया था, उसकी तो दिमाग से निकल गया, छोड़ो। आई लव यू। I love you too. आप खुश हो ना? अगर एक और भाई ये सवाल पूछे ना, बहुत सारी चिमटियां काटूंगी आपके पेट में, फिर बताना। चिमटिया काटोगे या ऐसे पोक करोगे बार बार, छेड़ोगे मेरे को? वो तो मेरे पर है, मैं क्या करती हूँ। आप पूछोगे ये सवाल? बताओ बताओ। किस में किस करते करते बेड पे सोने नहीं बोला था, मैं थक गई। चढ़ गई मेरे ऊपर सांड, मेरी प्यारी बीवी। जिंदगी भर ऐसी चढ़ी रहूंगी, कहीं जाने नहीं वाली मैं। पक्का ऐसे रहोगे ना मेरे साथ हमेशा, हंस खेलते हुए? हाँ इतना मत खेलना कि बच्चों को खिलाने की उम्र में खुद ही खेलने लग जाओ, मेरे को दोनों बच्चों को संभालना पड़े फिर, तो मैं भी और उसे भी। अच्छा, संभाल लेना। शर्म के साथ साथ हंसी भी आ रही है। आपकी कमर कितनी अच्छी लग रही है ना, आज तो ऐसे पल्लू नीचे गिरा के ऐसी बैठे हैं। क्या इरादे हैं? मुझे चेंज करना है तो। नहीं मैं थोड़ी ना छोड़ूंगा ये प्यारी सी सॉफ्ट सी कमर, हाथ में आ जाए एक बार, हाथ से फिसलती नहीं है फिर, हाथ उस पे फिसलता है।
क्या बात है, हटिए। नहीं हटेंगे हम, आप हमारे ऊपर है, आपको हटना पड़ेगा और हम फिसलने नहीं देंगे इस कमर को, ठीक है? ऐसे टाइट। तो मेरी बीवी ने आज एक्सेप्ट कर लिया कि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, मेरे साथ बहुत ज्यादा खुश है, मेरे को हमेशा मेरे साथ देगी, है ना? मैं जो कुछ सोच रहा था फालतू की चीजें थी बस, आपको कोई पैसा मैटर नहीं करता। नहीं, मैं मैटर करता हूँ, हाँ अगर मैं आपको 2 टाइम खाना ना खिला पाऊँ फिर भी चलेगा। अरे तो भूखे रह के दोनों जिएंगे कैसे बे, प्यार के दो तीन सहारे? दिन तो कमाओगे ना जाके। अच्छा आप नहीं आ सकते खुद मेरे लिए करने? जाने नहीं दोगे, बोलोगे मैंने कभी मना नहीं किया आपको, करनी है जॉब कर सकते हो, इतनी खूबसूरत बीवी कैसे जॉब करेगी। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो कमाएंगे ना दोनों 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 खूब ठूसेंगे। फिलहाल तो मुझे तुम्हारे होंठ खाने का मन कर रहा है। बेचारे भूखे। पागल तो औरत। हाँ पागल औरत के पति। हाय हाय, चलो एक्सेप्ट तो कर लिया पागल औरत तुम हो, मैं पागल आदमी नहीं हूँ। आई लव यू यार, कितने स्वीट हो तुम, कितने क्यूट हो तुम, कितने अच्छे हो तुम, है ना? तो तुम्हारी ये गाज दबो मुझे, दबो दबो, मन करा आम। हाँ लगी लगा दिया पूरा। नहीं गया। अब मुझे चेंज तो कर लें, तो आधे आधे कपड़े में घूम रही हूँ। कोई बात नहीं, रुको ये यहाँ पे सेफ्टी बना, रुको ऐसे निकाल देता हूँ। वेट क्या कर रहे हो, हाथ क्यों पकड़ रहे हो, छोड़ो। मैं कर लूंगी, हटो अच्छा तुम निकालोगे, अच्छा निकालो फिर। हटो, मैं खुद कर लूंगी। अपने हाथ हटाइए मेरे ऊपर से, अरे जोड़ नहीं के मत दीजिए। ना, ऐसे ही रहो मेरे पास, ये देखो ये पेन है यहाँ पे, है ना? रुको 1 सेकेंड। हाँ थोड़ी चुक गई यार, अच्छी बात है। नीचे गिर गई है, देखना उतरते टाइम चुपना चाहे। ओके लो, अब तो आपकी नीचे की साड़ी जो थी वो भी ढीली हो गई है। क्या करना है? थोड़ा रोमांस करना चाहिए, आपको नहीं लगता? नहीं, मुझे लगता है हम दोनों को सो जाना चाहिए। ठीक है, कपड़े बदल लो जल्दी से जाके, हेवी हेवी सा है ये बहुत, मुझे तेरे तुम्हारे वजन डबल दो फील हो रहा है। घंटे। हेलो और है, आई लव यू, आई लव यू टू। जाओ जल्दी चेंज करके आओ, मुझे हग करो टाइट। अब वो पहनना, वो पहनते हो ना आप, क्या अच्छा वो होता है ना, मैं बनियान पहनता हूँ वैसे टाइप्स में होता है थोड़ा, रात में एक बार पहन के सोए थे, है ना? थोड़ा मोटा मोटा सा होता है ऐसा, उसमें आपको हग करने में अच्छा लगता है जब, ब्लैक कलर वाला। ओके नाइट ड्रेस? यस, वही गलत कहते होंगे तो मुझे नहीं पता। जाओ जल्दी, जा रही। सुनो यहाँ पे करो ना क्या कैसी। काटूंगी। फालतू बहुत देर से परेशान कर रहे थे ना, मजे आए, जाने दो उठने दिया मुझे। तुम्हें मैंने, जाओ।